सबसे पहले हमारे पास जो पड़ा हुआ है कैनन का 1300D मॉडल है जो आप लोग इस टाइम देख रहे हो, तो उसके बाद हम इसकी कुछ फीचर बताएंगे। तो सबसे पहले हम ऑन आपका बटन देख सकते हो, ये हम ऑन कर देते हैं। और उसके बाद सबसे जो ज़रूरी होता है, हमने ऑटो को ये देख सकते हो ग्रीन कलर का, ये ऑटो पिक्चर है। और ऑटो के ऊपर हमें कैमरे के ऊपर भी आप शो कर देता है कैमरा कि ऑटो पे लगा हुआ है कैमरा। तो ऑटो का ये मतलब होता है कि इसके ऊपर आपको ना तो आई एस ओ की ज़रूरत पड़ती है एंड ना आपको पर्चे की ज़रूरत पड़ती है और ना आप लोगों को जो है ना शटर स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी बात यह कि इसका जो फ्लैश है इसकी भी अपनी मर्जी होती है, जहाँ पर ज़रूरत होगा तो चलेगा, जहाँ पर ज़रूरत नहीं चलेगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है पी ऑप्शन। पी के ऊपर हमें ये होता है कि पी के ऊपर भी हम देख सकते हो यहाँ पर शो कर सकता है ऑटो की तरह। अगर आई एस ओ कुछ चीज़ चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट पी का प्रोग्राम के ऊपर भी आप बेसिकली ये होगा कि आप एनी टाइम इसको ऑटो भी आई एस ओ भी ऑटो पर लगाए, बाकी चीज़ भी ना चले तो जिस तरह ये ऑटो होता है तो पी प्रोग्राम भी इसी कुछ फीचर है। तो उसके बाद अगर हमने पी पे कैमरे को शिफ्ट किया तो पी के ऊपर हमने ये फ्लश का बटन देख सकते हो, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये फ्लश ऑन होगा। देख रहे हो आप लोग, अगर हम ये फ्लश को प्रेस बटन को प्रेस करेंगे तो फ्लश इसका ऑन होगा और फ्लश पर एनी टाइम चलेगा। आप लोग देख रहे हो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल रहा है। और अगर हम ऑटो पे लगाए तो ऑटो पे इसकी अपनी मर्जी होती है फ्लश की, अगर ज़रूरत होगी तो चलेगा, ज़रूरत होगी नहीं चलता है। उसके बाद हमारे पास जो है ये है फ्लश का, आप लोग देख सकते हो ये फ्लश का है। अगर हम इस फीचर पे लगाए तो हमारा जो कैमरा है फ्लश बिल्कुल ऑन नहीं करेगा एंड फ्लश चलेगा ही नहीं, फ्लश की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगर हम इसको लगा इसके ऊपर लगाए देख सकते हो फ्लश का निशान, यहाँ पर भी फ्लश आपकी नज़र आपको आ रही होगी कि देख सकते हो फ्लश आपकी नज़र आए, तो यहाँ पर फ्लश बिल्कुल नहीं चलेगा और कैमरा आपका ऑटो भी लगा होगा चलेगा। उसके बाद हमारे पास जो सबसे बेस्ट आता है तो मैनुअल के ऊपर, मैनुअल के ऊपर हमें बाद लोग पूछते हैं कि आई एस ओ क्या रखना है। बेसिकली हमने अगर प्रेशर को हम देख सकते हैं, देख सकते हैं मैनुअल पे प्रेशर हमारा 125 पे होना चाहिए, शटर स्पीड 125 पे होना चाहिए दिन के टाइम पे। उसके बाद हमारा जो ये प्रेशर है ये देख रहे हैं, ये प्लस माइनस निशान को प्रेस करके हम इसको ऊपर कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ और इस बटन को ये प्लस माइनस जहाँ पर लिखा होगा इसको प्रेस कर लेंगे तो हमारा पर्चर ऊपर नीचे होगा, देख सकते हो आप लोग। तो ये 18 जो लेंस लगा हुआ है इसका पर्चर 5.6 पर्चर है। उसके बाद हमारे पास आता है आईएसओ। आईएसओ का तो हर जगह भी लिखा होगा, देखो जिस तरह आईएसओ लिखा हुआ आईएसओ, इसको हम प्रेस कर लेंगे जितना हम रख सकते हैं हम रख लेंगे। ये अपनी मर्जी से हम रखेंगे, जिस तरह हमारी मर्जी होगी उस हिसाब से हम आईएसओ रखेंगे। आप लोग देख सकते हो इस टाइम आईएसओ, अगर हम चाहते हैं कि हम 64 पर लगाए 32 लगाए तो इसको ओके कर लेंगे, हमारे आईएसओ वहीं पर लग जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आईएसओ रखना पड़ेगा मैनुअल के ऊपर कि हमारा मैनुअल के ऊपर क्या क्या आईएसओ रखना है एंड पर्चर क्या रखना है। अगर आप लोग लो लाइट पे जाते हो तो आपके लेंस का पर्चर भी कम होना चाहिए, लो लाइट कम हो जाए, तो जिस तरह इसका 1.5.6 पर्चर है तो आप लोग 1.8 पर्चर अगर लेंस लोगे तो उसका लो लाइट पर्चर हो जाता है। तो अगर लाइटिंग आपके पास कम हो तो आप लो लाइट जो आपका पर्चर है 1.8 पे लगा लो तो आपका कैमरा लो लाइट जो होगा वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये था कैनन का 1300D मॉडल। इसके बाद इसके अंदर आप वाईफाई है और वाईफाई हमने किस तरह कनेक्ट करना है आप लोग देख सकते हो, मैं मेन्यू में आ गया हूँ और यहाँ पर हमारी ऑप्शन आ रही है ऊपर वाईफाई का। वाईफाई हम प्रेस कर लेंगे और इसको अनेबल पे लगाएंगे, अनेबल पे लगा के उसके बाद वाईफाई ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, कैमरा हो गया, फिर मोबाइल हो गया, फिर आपका प्रिंटर हो गया। उसके बाद आप लोग इस देख सकते हो इसके वाईफाई का भी ऑप्शन मैंने बता दिया, अगर डिवाइस पे करना है तो उसको ओके कर लेंगे तो आपका जो भी डिवाइस होगा उसका कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपको इसका जो प्ले स्टोर से इसका आपको ऐप लेना पड़ेगा, कैनन कनेक्ट मोबाइल कैमरा, कैनन कनेक्ट, तो आपको सॉफ्टवेयर वहाँ से अपडेट अपलोड लेना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका कैमरे के साथ ईजी होकर आप कनेक्ट कर सकते हो। कैनन का ये 1300D मॉडल था और इसके साथ 18 लेंस भी मिलेगा आपको, STM लेंस लगा हुआ है साथ में और इसका प्राइस 38,000 रुपये। तो ये कैनन का मॉडल था। अब हम चलते हैं 4000D की तरफ। जो 1300D है उसका ऑन ऑफ साइड से होता है एंड बाकी चीज़ें भी साइड से होते हैं ऐसी ही चीज़ें। तो इसका जो आपका 4000D का जो आपका डायल है इससे आपका ऑन ऑफ भी होता है एंड इधर से आपका वीडियो भी शिफ्ट हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ से मैनुअल भी चलता है। और दूसरी बात, कैनन का जो 4000D मॉडल है इसका ये जो चीज़ें ये चेंज होता है देख सकते हो आप लोग, ये आपको हाथ से करना पड़ेगा। और निकॉन जो 1300D मॉडल है वो आपको बटन से करना पड़ेगा एंड दूसरी बात, इसके ऊपर आपको ऑटो फ्लैश गन लगाना पड़ेगा, ऑटो मैनुअल फ्लैश गन इसके ऊपर नहीं चलता है। कैनन का 4000D मॉडल है ये, इसके ऊपर मैनुअल फ्लैश नहीं चलता है एंड उसके बाद इसके ऊपर आपका ऑटो फ्लैश चलेगा। बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि इसका जो मैनुअल ऑप्शन है मैंने आपको पहले 1300D का भी बता दिया और इसका मैं बताना चाहता हूँ, ये देख सकते हो जितना मैं इसका शटर स्पीड कम ऊपर कर रहा हूँ, बेसिकली हमने 125 पे बेस्ट होता है कि हम रखें। उसके बाद हमारा जो पर्चर है वो भी मैंने आपको बताया कि प्लस हमारे जो जहाँ पर लिखा होता है उससे आपका पर्चर चेंज हो जाता है, पर देख सकते हो ये 5 पर आ रहा है एंड उसके बाद हमारा पर्चर जितना मर्जी हम ऊपर रख सकते हैं। बेसिकली हमने इसका लेंस का पर्चर 5.0 है
तो हमने परसेंट अगर 5.0 रखा तो ये लो लाइट का लो लाइट ज़्यादा कर देता है, अगर लो लाइट में काम करना हो तो हम कर सकते हैं। बेसिकली इसका परसेंट 5.6 होता है, 18% लेंस लगा हुआ है इस TM का। ये तो ये कैनन का 4000D मॉडल था और इसका प्राइस 30K है कैनन का 18% लेंस के साथ। और आपको वीडियो ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है, इस तरह के देख सकते हो। वीडियो पे हमने शिफ्ट किया कैमरे को और ये वीडियो पे हम आ गए, लेकिन इस टाइम से कार्ड नहीं लगा हुआ है। तो ये देख सकते हो, अगर वीडियो कार्ड होता तो इसमें हम शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है सेकंड, और इधर बटन से हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। उसके बाद डिलीट का बटन, जो आप लोग डस्टबिन लिखा हुआ है डस्टबिन, तो इसको प्रेस करेंगे तो डिलीट भी यही से होगा। और ये कैनन का 4000D मॉडल था जो आप लोगों ने देखा और इसकी कंडीशन भी देखी आप लोगों ने। बाकी इसका प्राइस 30K। तो अब ये दोनों मॉडल आप लोग देख सकते हो, कैनन का 4000D एंड 1300D। कैनन 4000D में आपको ये कहूँगा कि इसके फीचर तो सेम है, लेकिन 1300D इससे बेस्ट मॉडल है 4000D से। और इसके अंदर आप लाइट भी लगा सकते हो, चाहे मैनुअल हो या ऑटो हो, दोनों चल सकते हैं। एंड उसके बाद LCD भी देख सकते हो, 4000D का थोड़ा सा कम है एंड 1300D का बड़ी LCD है। एंड दोनों मॉडल में भी माइक ऑप्शन नहीं है और दोनों में वाईफाई ऑप्शन है, बट 1300D बेस्ट ऑप्शन है 4000D से। तो उसके बाद हमारे पास कैनन का 550G एंड 600D पड़ा हुआ है। तो 550G और 600D में क्या क्या चेंजेस हैं वो भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम 550G के बारे में कुछ बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को आनाप का तो मैंने बता दिया कि यहाँ से आनाप होता है इसका, देख सकते हो आप लोग ऑन हो गया कैमरे का। एंड उसके बाद ऑटो, ये ग्रीन जगह कैनन का अगर बॉडीज़ पे ये निशान होता है, जो ये ग्रीन ऑटो है, आपको कैमरा ऊपर LCD भी शो भी करवा देता है कि ये ऑटो पे लगा हुआ है फुल ऑटो। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना आपका ISO चेंज करने का, ना आपका परचर, ना शटर स्पीड, सारा कुछ इसका ऑटो पे लगा होता है। उसके बाद मैनुअल ऑप्शन है, मैनुअल ऑप्शन के ऊपर हमें ये चीज़ें ज़रूरी करनी पड़ती है कि हमारा परचर क्या है, जिस तरह की मैं चेंज कर रहा हूँ, जितना हम रख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना, हमारा परचर हम जितना मर्ज़ी रख सकते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा शटर स्पीड हम जितना मर्ज़ी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ISO आ गया, तो ISO का इसका साइड भी बटन होता है, जिस तरह कि ये प्रेस कर देंगे हम और यहाँ पर ISO हमारा शो हो रहा है, जिस तरह कि आप लोगों को देखा कि ISO इसका भी 6400 है एंड 1300D का भी 6400 है, 4000D का भी 6400 ISO है। तो आप लोग देख सकते हो ये मैनुअल ऑप्शन था इसका, कैनन का 550D। एंड दूसरी बात, इसके अंदर आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है जो आपको 1300D एंड 4000D के अंदर नहीं मिलता। तो माइक ऑप्शन सबसे बेहतर होता है जब आप YouTube के लिए वीडियोस बनाते हो या आप TikTok के लिए वीडियो बनाते हो, तो माइक ऑप्शन सबसे बेहतर है। एंड इसके अंदर आपको वाईफाई नहीं मिल जाता, लेकिन इसका वीडियो के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड उसके बाद ये 18 मेगापिक्सल है और इसका प्राइस 35,000 रुपये है। ये कैनन का 550D मॉडल था, साथ में 18 लेंस भी मिल जाता है। एंड आप लोग कंडीशन भी देखी, कंडीशन भी साफ़ सुथरा है, कैनन का 550D था। बाकी भी आप लोगों ने देख सकते हो सारा कुछ, आप लोग यहाँ से आपको तस्वीर शो करता है एंड यहाँ से डिलीट होता है। उसके बाद ये हमारा मेन्यू है, इसको हम प्रेस भी कर देते हैं, मेन्यू हम चेंज भी जहाँ पे हमने करना है आप देख सकते हो, मेन्यू हम मेन्यू भी चेंज कर। उसके बाद हमारा डिस्प्ले, ये डिस्प्ले का मतलब डिस्प्ले ही देख सकते हो, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ बंद हो गया, ऑन हो गया। तो बाकी चीज़ें भी इस तरह, वीडियो अपने अगर स्टार्ट करनी तो वीडियो हम यहाँ से डायल को बिल्कुल एंड पे लेके आ जाते हैं, देख सकते हो ये वाइट डॉट होता है, जो भी हमने डायल पे लेके आना है तो ये वाइट डॉट के साथ सीधा करना है। उसके बाद हमारा देख सकते हो वीडियो भी शिफ्ट हो गया और इसमें भी कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो ये जरूर से शुक्र है। अगर वीडियो हमने स्टार्ट करनी तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये कैनन का 550D मॉडल था जो आप लोगों को मैंने दिखाया, इसके कुछ फीचर भी बताए आप लोगों को। और इसका प्राइस 35 के है विद 18% लेंस, और इसके अंदर माइक ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो उसके बाद हमारे पास जो 600D मॉडल पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये तो बिल्कुल 10x10 कंडीशन बॉडी है, बिल्कुल नई कंडीशन में है। आप लोग देख सकते हो इसको, कंडीशन इसकी बिल्कुल नई कंडीशन है, कैनन का 600D मॉडल है। और उसके बाद आप लोग को मैं इसका भी कुछ फीचर बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले जो आपको 550G के अंदर नहीं मिल जाता है, वो आपको रोटेटेबल LCD है, जो आप लोग देख सकते हो, ये आप रोटेट नहीं कर सकते LCD 550G में, और 600D के अंदर आप कर सकते हो इजीली रोटेटेबल LCD। एंड उसके बाद इसके अंदर भी आपको माइक ऑप्शन मिल जाता है, एंड ये भी 18 मेगापिक्सल है, और इसका प्राइस 40K है, 40,000 रुपये है। बाकी अगर ऑटो पे आप ऑन कर देते हैं आपको बॉडी एंड उसको रोटेट कर देते हैं LCD को, कार्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन देख सकते हो ऑटो पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ऑटो पे। एंड उसके बाद हम पी पे शिफ्ट होते हैं, पी के ऊपर हम यहाँ से इसका बटन है, ये देख सकते हो 600D का यहाँ पर बटन लगा हुआ है, तो हम इसको प्रेस कर लेंगे तो हमारा फ्लश ऑन होगा, देख सकते हो फ्लश को। एंड अगर हम चलाना चाहते हो हम इसको एनी टाइम यूज़ भी कर सकते हैं कैनन पी के ऊपर, प्रोग्राम के ऊपर। उसके बाद हमारे पास अगर हम नहीं चलाना चाहते तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा फ्लश हमारा, ना ऑन होगा, ना ऑटो पे ऑन होगा और ना पी पे ऑन
कुछ भी नहीं होगा, इसको नहीं यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास आता है मैनुअल वाला ऑप्शन। मैनुअल के ऊपर आप देख सकते हो कि कैमरा मैनुअल पे शिफ्ट हो गया हमारा, एंड उसके बाद हमारा जो शटर स्पीड है हम इसको जितना मर्जी रख सकते हैं या से हम चेंज करेंगे, देख सकते हो इसको हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो अपर्चर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लस और जो माइनस का जो ये देख सकते हो, इसको मैं प्रेस कर देता हूँ, हम अपर्चर जितना मर्जी रखें। फिर इसके बाद देख सकते हो ये अपर्चर 4.0 तक लेके जा रहा है। ये बॉडी के अंदर खासियत है कि बॉडी के ऊपर ये 4.0 तक जा रहा है। बाज़ दफ़ा मैंने आपको बॉडी ऊपर लगाई 1300 डी के ऊपर तो उसका 5.6 नीचे नहीं जा रहा था, 4000 डी के भी 5.6 नीचे नहीं जा रहा था, लेकिन 600 डी के अंदर आपको ये चीज़ भी मिल जाती है कि इसका 4.0 तक अपर्चर जाता है 1855 का भी, और 550 डी के ऊपर जो था हमारा तो उसका 5.0 था। तो आपने देखा कि उसके अंदर 5.0 है, इसके अंदर 4.0 है, तो ये हमारा अपर्चर था। बाकी ISO अगर देखें तो हमने ISO का भी इधर ही बटन लगा होता है, इसको हम प्रेस कर देते हैं यहाँ पर ISO। इनके अंदर भी 6400 ISO आपको मिल जाता है कैनन का। बेसिकली हमने यूज़ करना ही, अगर ये ISO चाहिए तो हमने अपने लाइटिंग के हिसाब से लगाना है कि हमारी लाइटिंग क्या है। बाद अब जो है 1600 पे लगाते हैं, बाद अब 800, जितना लाइट इसको जितना हम ज़्यादा रखेंगे उसके उतना हमारी लाइटिंग बढ़ती जाएगी। ISO को जितना हम ज़्यादा रखेंगे उतना इसकी लाइटिंग बढ़ती जाएगी। उसके बाद वीडियो का है, वीडियो तो हम इसको बिल्कुल एंड पे लेके आ जाते हैं, देख सकते हो, और कैमरा वीडियो पे हमारा शिफ्ट हो जाता है, देख सकते हो वीडियो पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद वीडियो अगर हमने स्टार्ट करनी है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देख सकते हो कैमरे का निशान है और उसके ऊपर आपको रेड डॉट भी मिल जाता है, तो हम यहाँ से कैनन को वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो बाकी चीज़ें अगर है तो यहाँ से आपको तस्वीर शो करेगा एंड वहाँ पर इसकी ये डिलीट हो जाता है। बाकी अगर टाइमर पे कैमरा लगाना है तो ये देख सकते हो ये गोल्ड सा निशान और साथ में छोटा डॉट है, तो इसको हम प्रेस करेंगे बटन से, यहाँ पर हमारा टाइमिंग भी कैमरा सेट हो जाता है। और अगर हम इसका फोकस पॉइंट, जो हमारा फोकस पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से वहाँ ले जाए, तो ये बटन देख सकते हो इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, हमारा पॉइंट जो है ये यहाँ से वहाँ, या जहाँ पर हमारा फोकस पॉइंट जाएगा वहाँ पर इसने जो है ना हमारे को तस्वीर देना है, वहाँ वहीं पर फोकस करेगा। बाकी जितनी भी चीज़ें होगी हमारे एक ब्लर करेगा, जस्ट जहाँ पर हमारा फोकस पॉइंट होगा ये देख सकते हो, अभी मैंने दरमियान लगे तो हमारा दरमियान में ही क्लियर होगा, इधर उधर लेके जाएंगे तो वहाँ पर ब्लर होगा या ही फिर ठीक होगा। तो ये हमारा फोकस पॉइंट है। उसके बाद जो है ना अगर टाइमर पे लगाना है तो टाइमर का भी मैंने ये बता दिया आपको। अगर आपने तस्वीर जूम करना है तो आप ये देख सकते हो प्लस माइनस को इसको इधर उधर कर सकते हो और इधर को जूम भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर माइक ऑप्शन आपको मिल जाती है, देख सकते हो आप। उसके बाद हमारे पास इसका डाटा केबल की जगह आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो ये माइक ऑप्शन है, एंड इसका जो छोटा जगह है ये शटर रिलीज बटन है, ऐसे शटर रिलीज होता है। उसके बाद देख सकते हो डाटा केबल एंड ये HDMI केबल LCD के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा कैनन 600D मॉडल था, इसका 18 SDM लेंस है और इसका प्राइस 40,000 रुपये है। आप लोग देख सकते हो कंडीशन इसकी बिल्कुल 10x10 कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास सोनी का और कैनन के कुछ हैंडी गेम पड़े हुए जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ये हैंडी गेम हमारे पास पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर आप लोगों को माइक ऑप्शन मिल जाता है, एंड इसके बाद इसके अंदर डबल स्लॉट भी है कार्ड का, और इसके अंदर आपको इंटरनल मेमोरी 32GB इंटरनल मेमोरी भी मिल जाता है। और आप लोग कंडीशन देख सकते हो इसकी, कैनन का ये मॉडल है और मॉडल मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये इसका मॉडल है, आप लोग देख सकते हो HFR21 मॉडल है और ये फुल HD मॉडल है। एंड उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि इसके अंदर डबल कार्ड स्लॉट है, इसके अंदर डबल कार्ड यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद माइक ऑप्शन भी है और हमारे पास HDMI केबल की भी ऑप्शन है एंड USB केबल की भी ऑप्शन है। और ये इसका चार्जिंग ऑप्शन यहाँ पर लगा हुआ है, ये देख सकते हो ये चार्जिंग ऑप्शन है इसका, और इसके अंदर आप लोग हैंड फ्री भी यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। इस टाइम ये कैनन का हैंडी गेम है और इसका प्राइस 18,000 रुपये, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद कैनन का हमारे पास दूसरा एक मॉडल पड़ा हुआ है, आपको लगेगा ये सेम मॉडल है बट सेम मॉडल नहीं है, इसका मॉडल में भी चेंज है। एंड इसके अंदर आपको इंटरनल मेमोरी 32GB नहीं मिल जाता और इसके अंदर आप लोग को माइक ऑप्शन भी नहीं मिल जाता, डबल कार्ड स्लॉट है इसके अंदर, माइक ऑप्शन नहीं है और इसके अंदर इंटरनल मेमोरी भी नहीं है। तो और उसके बाद HDMI केबल भी आपको मिल जाता है एंड USB के लिए भी केबल मिल जाता है आपको, और बाकी चीज़ें भी इसके सेम है, लेकिन इसका मॉडल चेंज है। जो आप लोग को मैंने पहले दिखाया R21 था और ये 26, ये 206 मॉडल है, R206 मॉडल है और वो HFR21 मॉडल था जिसके अंदर माइक ऑप्शन आपको मिल जाता है एंड उसके बाद इंटरनल मेमोरी भी मिल जाता है। तो इसका प्राइस 12,000 रुपये, आप लोग कंडीशन इसके देख सकते हो, कैनन का ये मॉडल है। हैंडी कैम वीडियो के लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाती होता है ये, और HD वीडियो भी बनाएगा। उसके बाद हमारे पास सोनी के दो मॉडल पड़े हुए हैं, लेकिन इसके दोनों के अंदर भी माइक ऑप्शन आपको नहीं मिल जाता। लेकिन सबसे पहले आप जूम इसके देख सकते हो, ये 67 जूम है एंड ये 50x जूम है, तो आप लोग दोनों देख सकते हो। लेकिन कंडीशन इसकी थोड़ी सी साफ सुथरी है, कैनन का ये सोनी का ये मॉडल है, इसके अंदर 4GB इंटरनल मेमोरी मिल जाता है एंड 50x जूम है इसका,
और बाकी इसके अंदर आपको HDMI केबल की जगह नहीं मिल जाता है, सिर्फ डाटा केबल एंड AV केबल है इसका। और इसका प्राइस आपको मिल जाता है 15,000 रुपये। ये सोनी का हैंडी कैम है, कंडीशन की साफ़ सुथरी कंडीशन है, जिसका प्राइस है आपको 15,000 रुपये मिल जाता है। एंड यहाँ पर इसका SD कार्ड भी लगा दे, लेकिन सोनी का अपना ओरिजिनल कार्ड भी लगा दे। इसका भी कॉर्ड स्लॉट डबल है, SD कार्ड के लिए भी है एंड सोनी का अपना भी है, और साथ में बैटरी भी मिल जाता है आपको। देख सकते हो आप लोग, सोनी का ये मॉडल है जिसका प्राइस 15,000 रुपये। उसके बाद सोनी का हमारे पास ये मॉडल पड़ा, इसके अंदर 67x जूम है, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी सी रफ कंडीशन है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो वायर जगह है ब्लैक हो चुका हुआ है एंड यहाँ से भी ऐसे ही है। तो ये मॉडल है X21 मॉडल है, 67x जूम है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है छोटी सी एंड उसके बाद इसके अंदर भी HDMI केबल की जगह नहीं है, डाटा केबल है और AV केबल आपको मिल जाता है। तो इसका प्राइस आप लोग को मिल जाता है 12,000 रुपये। ये सोनी का हैंडी कैम था, वीडियो के लिए बेस्ट ऑप्शन है।